हेलो, हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जो मार्केट में एक बहुत ही खतरनाक फ्लो लेके आ सकती है। मल्टी बैगर स्टॉक है और आपको बेनिफिट बनाते ही नहीं रुकेगी, मतलब बनाते ही रह जाएगी। चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। सबसे पहला मल्टी बैगर स्टॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं टाटा केमिकल, जो आप लोग को पता है अभी टाटा केमिकल ग्रीन पावर के साइड बहुत ही ज़्यादा मूव कर रही है। और टाटा की जैसे स्टॉक्स है, मतलब आपको पता ही है किस तरीके से मार्केट में फ्लो बना के रखती है। बहुत ही अच्छी स्टॉक है जो मार्केट में इतनी अच्छी फ्लो बनाई है कि यू कांट इवन इमेजिन। यहाँ पे देख सकते हैं 854 रुपीस पे करेंटली ट्रेड करिए। वन मंथ पे ध्यान दें तो वन मंथ पे कितनी तेजी बनाई है, जस्ट मैं इस पॉइंट से आप लोगों को दिखाना जरूर चाहूंगा। इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 7.74% की तेजी बनी है मार्केट में, बहुत ही बेहतरीन तेजी बोला जाता है इसको। और यहाँ पे अगर ये सब एक फंडामेंटली, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूँ, मार्केट कैप 21.76 ट्रिलियन ट्रिलियन मतलब ट्रिलियन करोड़, आप समझ सकते हैं कि कितनी ही बड़ी कंपनी है। और इस ऐसी कंपनी को मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बाई करने, क्योंकि ये मल्टी बैगर आपको बन स्टॉक्स है, आपको अच्छी खासी प्रॉफिट है। नेक्स्ट टारगेट की बात करें, क्योंकि ये सैटरडे वीडियो है, सैटरडे को मैं हमेशा आपको लॉन्ग टर्म की स्टॉक बताता हूँ और ये स्टॉक है आपको टारगेट दे सकती है आराम से 1000 तक का, तो आपको बेनिफिट होते हुए दिख सकता है। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब दूसरे स्टॉक के साइड बढ़ते हैं, पीसी ज्वेलर्स। आप लोग को पता होगा पीसी ज्वेलर्स कौन सी कंपनी है जो मार्केट में किस तरीके से फ्लो बना के रखी है। चलिए वन मंथ पे ध्यान देते हैं और वन मंथ पे देख सकते हैं 98.212% तक ऊपर जाते हुए दिखे, 23% की फ्लो। यहाँ पे देख सकते हैं 23 रुपीस पे ट्रेड करी थी और अच्छी खासी ऊपर जाते हुए दिखी है, ऑलमोस्ट 50 रुपीस तक पहुंचने वाली ही है। और ये शेयर्स इतनी बेहतरीन है, मल्टी बैगर स्टॉक है। यहाँ पे देख सकते हैं हर दिन तो अच्छी खासी उतार चढ़ाव रहती थी, पर लास्ट दो दिन अच्छी खासी मतलब सीधा रैली बनाई है, मतलब अच्छी खासी तेजी है। अब आपको मेनली अब आपके पास चॉइस है कि आप लोग पैसा लगाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं खुद इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट कमा के इसमें निकाला, मैं इसी पॉइंट पे छोड़ा था, अभी मुझे फिर से बाई करना है। और अगर कुछ ऐसा चेंजेस होते हुए दिखेगा तो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा और तुरंत आप लोग चेक कर सकते हैं अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो। ये स्टॉक थोड़ी सी रिस्की है, पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार खुद से भी एनालाइज करके आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, ये शेयर्स में आपको एक अच्छा प्रॉफिट होते हुए दिख सकता है। अब थोड़ा मैं एनएससी के साइड मूव करता हूँ कि कितनी ज़्यादा होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है इस स्टॉक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है, जस्ट वेट। और ये स्टॉक एक ऐसी है जो मार्केट में आपको एक टाइम में इसके ब्रांड वैल्यू, इनफैक्ट अभी भी ब्रांड वैल्यू की कमी नहीं हुई है, यहाँ पे 47.27 होल्डिंग्स बनते हुए दिखे, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खासी होल्डिंग्स है। तो आप लोग के पास अभी चांसेस है, पैसा लगाइए और प्रॉफिट कमाइए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें टाटा केमिकल की, तो टाटा केमिकल में कितनी होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टाटा केमिकल में ऑलमोस्ट 31.23 की होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इसकी बात करें और सब फर्दर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे 15 जून को होते हुए दिखी थी, जो लास्ट 15 जून को ही होते हुए दिखी है, अभी जुलाई की आनी बाकी है। इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट में चांसेस है कि बहुत ही अच्छा फ्लो रहेगा, क्योंकि टाटा केमिकल मूव कर रहे हैं ये सारे ग्रीन पावर पे, और यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स भी बहुत ही खतरनाक वे में मार्केट में मूव करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अब मैं मूव करना चाहूंगा स्टील सेक्टर को। आप लोगों को पता है कि कितनी ही ज्यादा गिरावट हो गई है, पर चाइना में डिमांड इंक्रीज होते हुए दिखने वाली है स्टील सेक्टर की। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो आती है कि अभी आपके पास ऑप्शन है इस सेल पे पैसा लगाने का। जेडब्ल्यू स्टील अभी इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रही है, यहाँ पे आ जाते हैं 5 डेज पे या 1 मंथ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रही है। कंसोलिडेटिंग पॉइंट की कहाँ से कहाँ है, तो 550 लेके 600 तक इसकी कंसोलिडेटिंग पॉइंट है, आराम से पैसा लगाइए और प्रॉफिट कमाइए। मल्टी बैगर स्टॉक की यही फायदा है कि पैसा लगा के आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहीं पर एनएससी में चेक करें ये स्टॉक में कितनी ज़्यादा होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है, तो उस साइड में मूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं एनएससी में कितनी ज्यादा होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है। ठीक, आप यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, जेडब्ल्यू स्टील की टारगेट दी गई है 623, और क्वार्टरली रिजल्ट को अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के, तो अच्छी खासी प्रॉफिट की भी चांसेस बन रही है। इनफैक्ट थोड़ी सी लॉसेस देखने को मिल सकती है, मतलब चांसेस रहेगी उतार चढ़ाव की मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में क्या फ्लो था। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है, यहाँ पे 12.89% की होल्डिंग, पर अभी आपके पास चांस रहेगी कि आराम से पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसमें
पैसा एक अच्छी खासी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे रैली में तेजी आएगी और जहां पे आपको लॉस ना हो, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पहले आप लोग बाई कर लीजिए, आप लोग के पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा प्रॉफिट कमाने का। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आप लोग को कुछ भी ऑप्शंस के बारे में भी जानना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये तीनों स्टॉक कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।